ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರಿಗೆ के लिए हमारे उलमा इकराम
हमें शहादत दी है और हम भी इस मुल्क के लिए अपनी जान देंगे और हमारी देशभक्ति की सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। बसुरा के प्यार जैसे लोग वो लोग बाहर से लिया गए हैं, हम यही पैदा है यही मरेंगे। हमारा डीएलए चेक करके देखो, हम असली इंडियन वो 2% लोग वो यूरोप से आए सोने लोग हैं। तो यहाँ पर मैं जनता दल से बुला के तमाम माइनॉरिटी के जिम्मेदारों को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। पहले हिम्मत की है पॉलिटिकल पार्टी ने, वरना मुसलमानों के हाथ में कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत नहीं करती, आवाज नहीं उठाती। झंडा लेकर नहीं आता। आज मैं कुमार स्वामी साहब और हम आपसे मुतालिबा करते हैं कि हम इस आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ाद शहरी नहीं हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमें ये हक दिया है, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स कास्ट रिलीजियन, और माइनॉरिटीज़ के लिए भी यहाँ अलग से कमीशन बनाया गया, नेशनल वुमेन कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़। तो हम अपने आइन के दायरे में रहते हुए अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, तो आप किस बात के लिए हमें डरा रहे हैं? और मैं इस मन से गुलबर्गा के तमाम और हमारे वालिदीन से ये अदबन गुजारिश करती हूँ कि ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं तो हमें तालीम से रोका जाता है, क्योंकि बस हमारे पेरेंट्स का जहन होता है कि अगर हमारे बच्चे कहीं पे गए उन्हें कुछ हो जाएगा, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि हम तालीमी मैदान से पीछे रहे। हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पढ़ कर उन्हीं के कानून को लेकर तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल कोर्ट इंसाफ करेगा और यहाँ पर जो मामला है ये साफ है, बिल्कुल साफ है। ये जो ड्रेस कोड होता है ये बिलो द नेक होता है, ये अबव द नेक नहीं हो सकता। हमारे हिंदुस्तान के हमारे सिख भाई हैं वो जो है पगड़ी पहन के स्कूल को आते हैं, हमारे हिंदू भाई जो है हमारे लिंगायत भाई जो हमारे 7 सालों से जो है भाइयों की तरह रहे हैं वो नामा लगा के आते हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई ये पहनते हैं, हमारे जितने भी मज़हब के लोग हैं वो यूनिफॉर्म स्कूल का बराबर पहनते हैं। ये जो बुरखा है स्कूल के बाहर तक है, क्लास के अंदर सिर्फ स्कार्फ पहना जाता है। इसको कम्युनलाइज करने की बात हो रही है, इसके पीछे एजेंडा बड़ा साफ है। भारतीय जनता पार्टी आज कर्नाटक के अंदर उसको यकीन हो गया कि फिर से वो हुकूमत नहीं करने वाले, इसीलिए ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है बल्कि हर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ाना, हिंदू मुस्लिम की भाईचारे को फूट फूट पड़ा करके हुकूमत में आने की साजिश कर रही है। आज बहुत सारे ऐसे MLAs हैं MPs हैं जो है असेंबली के अंदर अपने अपने मजहब के लिबास को पहन करके जाते हैं। योगी आदित्यनाथ खावी पहन के जाता है, हमारी माया बहन बहनें बुरखा पहन की जाती हैं, हिंदू बहन उमा भारती कुंवर क्या नाम है उसका, वो भी खावी के लिबास पहन के जाना कोई ये नहीं है। स्कूल का मामला अलग, सियासत का मामला अलग, ये साफ तौर पर सियासी लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर भारतीय जनता पार्टी आज जो ये साजिश कर रही है, आज हम देखते हैं क्या नाम उसका बसवराज यतनाड़ एक बयान देता है, क्या बोलता है वो बयान देकर, अगर उर्दू स्कूल को चलना है, अगर हिजाब पहनना है तो आप पाकिस्तान चले जाओ, इस मुल्क के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान चलेगा। बहुत अच्छा लगा बसवराज यतनाड़, तू कई सदियों पहले जो है मिनिस्टर बना था, आज तक तुझे कुर्सी नहीं मिल रही, तू मिनिस्टर बनने के लिए तू इस कौम के अंदर जो है फूट डालने की कोशिश कर रहा है। आज मैं तुझे साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से ही चलने वाला है, और ये हिजाब बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने हमको हक दिया है। और महात्मा गांधी जी के बारे में तुमने कहा कि पाकिस्तान बनाया नहीं, हिंदुस्तान महात्मा गांधी जी के सपने पे बना हुआ मुल्क है, महात्मा गांधी का मुल्क। इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम दुनिया के तमाम मजहब के लोग, यहाँ पर सबका हक है, सबका राइट यहाँ पर है। ये मुल्क किसी एक का नहीं, किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारा मुल्क है, तमाम हिंदू भाइयों का मुल्क है। जहन तुम्हारा गंदा है, सोच तुम्हारी गंदी है, तेरी ये जो नाहेल बातें हैं ये कौम के अंदर वोटों को फोड़ने की बात है। तू नथुराम गोडसे की नाजायज औलाद है, तेरी सोच नथुराम गोडसे की है, तेरे मुंह से महात्मा गांधी का लफ्ज अच्छा नहीं लगता, तेरे मुंह से
बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की बात करने वाली पार्टी का तू लीडर, और तू बाबा साहब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है। अरे मजबूर है तू, तेरे आइडियोलॉजिकल स्टैंड तुझे नहीं मालूम, तेरे शौक क्या क्या है मैं मीडिया के सामने नहीं बोलूंगा। अब हम जानते हैं, बीजापुर के लोग भी जानते हैं कि बसराज भी यत्नाल का शौक भी आड़ा टेढ़ा है, उसकी सोच भी आड़ी टेढ़ी है। तो कुर्सी के लिए चमचागिरी कर कर करके थक गया है, कुछ होने वाला नहीं है, उसका बनने वाला है। अगर गुंजाइश नहीं है आना ही चाहिए। यूनिफॉर्म्स आर मेंट बिलो द नेक। हमारी बहनें यूनिफॉर्म क्लासरूम के अंदर यूनिफॉर्म पहन के ही जा रहे हैं। सर जो बच्चे इस ये देखिए आप कितना किस लेवल पे आ गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी भी तालीम हमारे जो है साथ, हमारे हिंदू भाई हमारे साथ पढ़ा करते थे, मेरे लिंगायत भाई हमारे साथ बैठा करते थे, मेरे दलित भाई मेरे साथ एजुकेशन किए हैं, कभी उन्होंने सैफरन पहनकर नहीं आए। वो जो है नामा लगाते हमारे पास बसवन्ना के जो लोग हैं, बड़े खूबसूरत बड़े प्यारे लगते थे हमें, बड़े अच्छे नहीं लगते थे कि भाई बहुत अच्छा है कि आप अपने मजहब के साथ हैं। हमारी बहनें सिर्फ हम जो है बगैर कोई हमारे टोपी पहन के नहीं गए, हमारी बहनें जो के एक उम्र हो जाती है उसके बाद स्कार्फ पहनते हैं। ये पीयूसी कॉलेज की बात है, तो ये इसको समझना है, ये जो है कोई इशू नहीं है, इसको इशू क्रिएट कर अपनी सियासी रोटी सेकने का काम भारतीय जनता पार्टी और जो है दूसरी जमातें कर रहे हैं। आज का ये एहतजाज मेरे इस बात को जो है आप साफ तौर पर आवाम सुन लीजिए, जनता दल सेक्युलर के बैनर के तहत हमने सीना ठोक कर किया है। आज भारतीय जनता पार्टी कम्युनलाइज करने की कोशिश करती है और कांग्रेस खामोश रहती है। डीके शिवकुमार कहते हैं कि नहीं हमारे पार्टी के बैनर के तहत नहीं होना, वोट्स पोलराइज होते हैं, आप में डर है कि बीजेपी को मुकाबला करने के लिए। जनता दल सेक्युलर हमारे लीडर कुमार स्वामी साहब ने भी उसको कंडम किया। आज हमारे जनता दल सेक्युलर के तमाम हमारे गुलबर्गा के लीडर्स तमाम मजहब के लोग आज आकर भारतीय जनता पार्टी के इस घिलौने जो खेल है इस खेल के खिलाफ हम लोग खड़े होकर के हमने बताया। जो लड़कियां उडुपी से जो मुहिम शुरू करी हूँ तमाम छह लड़कियों को मैं यहाँ पर गुलबर्गा के अवाम की जानिब से उनको सलाम करता हूँ। वो छह शेरनियां ने संविधान बताया है, संविधान के हुकूक पूरे खवातीन को बताया है कि संविधान के अंदर आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 21A है, आर्टिकल 15 है कॉन्स्टिट्यूशन की वो लोग बात कर रहे हैं। वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में फंडामेंटल राइट के बारे में नहीं जानते, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ते इसलिए क्योंकि वो बाबा साहब अम्बेडकर ने वो कॉन्स्टिट्यूशन को रखा है। बाबा साहब अम्बेडकर को नफरत करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जब छोटे थे जब उनको तालीम हासिल करने स्कूल को जाते थे उनको स्कूल के बाहर बिठाया जाता था, उनको खिड़की के बाहर बिठाया जाता था कि डिस्क्रिमिनेशन अब से नहीं है, ये जमाने से है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ लड़कियों को, आप देख रहे हैं जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने इस अनटचेबिलिटी को लेकर मुहिम चलाई थी, ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल की थी, वो बैरिस्टर बने, सबसे ज्यादा तालीम हासिल करने वाले इंडियन है। तो उसी तरह से हमारे लड़कियां भी साबित करें, वो भी अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करके उनका अपने तालीम के जरिए से उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। कटा सकती है सर अपना, कटा सकती है सर अपना, मगर सजदा ना छोड़ेगी बेटियां उम्मत इस्लाम की, बेटियां उम्मत इस्लाम की कभी पर्दा ना छोड़ेगी। आज जो हालात कर्नाटका में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहन शेर ने आए, शेर के बच्चे हैं, तुम उनका कुछ उखाड़ नहीं सकते, तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तुम लिखा लकड़ी, लिखा बंदूक या रखो बम, किसी का बाप उनका बाल बाखा नहीं कर सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मुसलमान नहीं हिंदुस्तान के, बल्कि हर वो शहरी चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो हमारे बहनों के साथ तैयार है। हमारे बहनों से मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे बहना तुम कभी डरो मत, तुम कभी घबराओ मत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे साथ है।
किसी का बाप अमीर हो। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से उड़पी के कॉलेज में हमारे बहनों के साथ हिजाब पहनने के लिए जो उनको रोका जा रहा है कॉलेज के बाहर, ये शर्मिंदगी की बात है हम तमाम लोगों के लिए। ये लोग सरकारी स्कूलों की कॉलेजेस की हालत क्या है उस पर तवज्जो नहीं देते, ये हिजाब पे तवज्जो देते। अगर हिजाब पे बैंड है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब कोई चीज़ को बैन करते तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मालूम होना चाहिए। कई मेरे गैर मुस्लिम हिंदू बहन है जो कहते हैं कि मैं हिजाब में सेफ फील करते हूँ। हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं कि बेटी की सुरक्षा, हाँ बेटी की सुरक्षा हिजाब में है, ना कि बगैर हिजाब के फिरने में। अगर तुम आखिर सुरक्षा चाहते हो तो हिजाब से जाने की इजाजत दो। कई गैर मुस्लिम बहनें, मैं आपको बता रहा हूँ, वो पछताते हैं कि हमारे मजहब में हिजाब क्यों नहीं है, वो फील सेफ करते हैं। अगर वाकई बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हो, बेटी बचाओ का नारा लगाते हो, बेटी की सुरक्षा का नारा लगाते हो, तो सुन लो, सबसे पहले जो मुस्लिम लड़कियां जो हिजाब पहन के जा रही हैं उनको इजाजत दी जाए कॉलेज में जाने की हिजाब पहन के। ये तुम हमसे पढ़ाई से दूर करने की कोशिश नहीं कर सकते। तुम छोटे छोटे मसलों को, ये बहुत बड़ा मसला है। तुम जो सरकारी स्कूलों की हालत कर रहे थे, वो हालत जाके देखो। जनता उस स्कूल के बारे में सवाल करेगी, डेवलपमेंट के बारे में सवाल करेगी, वो छोड़कर तुम हिजाब के मसले को लेकर बड़ा करेंगे। याद रखो, ये बाबा साहब अंबेडकर का हिंदुस्तान है, कह रहे हिजाब पहनना है तो पाकिस्तान जो, ये मुल्क मेरे बाप बाप आदम का है, हम इंशाल्लाह इसी मुल्क में रहेंगे, हिजाब पहन कर रहेंगे इंशाल्लाह। ये कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता, तुम नहीं रोक सकते। मैं और एक बार तमाम बहनों को सलाम करता हूँ, आप चलिए, पूरा देश आपके साथ है, पूरा वर्ल्ड आपके साथ है।